तो ऐसे निकालते हैं सिसोंड, देख सकते हैं चिमटी से पकड़ना होता है चिमटे से। ये मेहनती अम्मा, ये इतने सारे जो लकड़ियां रखे हैं ये स्टॉक में रखे हैं और फिर भी देख सकते हैं बाप रे। तो अभी एक बैड न्यूज, कुत्ता गिर गया यहाँ से। अरे युवराज, चलिए एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज ब्लॉग शुरुआत का जो टाइम है 7 बजे से है और साथ ही ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कुटियाधार से, जहां मैं ब्लॉग अपलोड के लिए आता हूं। गांव में नेट नहीं चलता तो नीचे मेरा गांव खलपट्टा और ये कुटियाधार जहां पे है माँ भगवती का मंदिर और इससे सामने वाली पहाड़ी आप देख सकते हैं ऊपर माँ चिल्ठा मंदिर और इसके ऊपर एक और पहाड़ है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी जिस जगह मैं हूँ ना, चारों तरफ से आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, क्या नज़ारा है। और सूर्य देव भी इस टाइम पर निकल ही रहे हैं और ये पहाड़ देख सकते हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरो पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार मेरे हिमाला। तो ये है मेरे देवभूमि उत्तराखंड की सुबह और मॉर्निंग मॉर्निंग में चिड़ियाँ चहकते हैं पहाड़ों से। इस टाइम पे तो भैया कफुआ न्योली जो स्थानीय पक्षी होते हैं क्या मधुर चहकते हैं मॉर्निंग से ही। ये एक्टिविटी बहुत ही प्यारी लगती है। गुड मॉर्निंग बुआ जी। ये है गांव की सुबह। इस टाइम पे गायों को खोल के मॉर्निंग मॉर्निंग में जंगलों को छोड़ने जाते हैं और गाय अभी निकल ही रहे हैं। ये अपने गाँव का ही एक टोक है, एक हिस्सा है कॉलोनी टोक, गायों को छोड़ने जंगल। आज तो नहीं शर्मा रहे, नहीं तो जैसे ही कैमरा लगता है शर्माते हैं। मत करना फिर ऐसे। नहीं चल रहा ये। नहीं। हो कोई मणि खावे लगा कोरी हाट कोरी। ये डॉग भी जा रहा साथ में। तो वैसे ही गायों को भी छोड़ने और मॉर्निंग मॉर्निंग में चाची जी कहाँ जा रहे हैं? चाची गुड मॉर्निंग। गाय को ऊपर जंगल भेजने जा रही हूँ और हाथ में दराती रस्सी। हाँ। काम भी करके लाओगे? हाँ, क्या काट के लाओगे? घास लकड़ियाँ? नहीं नहीं, एक लकड़ी लाऊंगी। एक ही लकड़ी? हाँ, लंबी है ना ये, बाढ़ के लिए चाहिए। अच्छा अच्छा, कहाँ से लाओगे? ऊपर से। ऊपर से। हाँ। तो अभी चाची जी भी निकल रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में और आपने पहाड़ों से हैं तो एक गाना तो सुना होगा, पहाड़ की चेली ले पहाड़ की बुआरी ले, कब है नहीं खाया दूर आटा सुकले। तो मॉर्निंग में उठते ही 7 बजे का टाइम है और निकलने लग गए हैं जंगलों के लिए बिना नाश्ता किए। और आने के बाद करोगे ना नाश्ता? तो अभी आऊंगी। हाँ, देख सकते हैं लगभग 1-1.5 घंटा तो लगता है ऊपर जाने में। दो घंटे में मान के 2-2.5 घंटे में वापस आएंगे, फिर इनका ब्रेकफास्ट होगा। वो बाप रे, एक डॉग गिर गया शायद। हैं बाप रे। तो अभी एक बैड न्यूज, कुत्ता गिर गया यहाँ से। ना ना ठीक है, सही सलामत है, पार हूँ। वो है सामने, बच गया। तो यहाँ पे ना एक खतरनाक खाई है। ये रहा डॉग, वो भागते हुए आ रहा था, यहाँ पे एक टीन लगाया है। तो बिल्कुल सही गया डॉग वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरा फोन भी है और साइड साइड से बंदर भी आ रहे हैं, क्योंकि थैले में पैक है। बंदरों को लगेगा यार थैले में कुछ खाने का सामान है, कहीं मोबाइल निकाला और सीधे नीचे चट्टान में चले गए, तो मैं कैसे जा पाऊँ भाई? कहीं ऐसा ना हो भाई फोन गायब हो गया, बंदरों ने लेके चले गए और देख रहा हूँ कल से ब्लॉग आए मेरे चैनल में, मैं ढूंढते ढूंढते परेशान। इसलिए डॉग बिल्कुल सही गया है, तू यहीं पर है, तेरे लिए रोटी लाऊंगा भाई। गुड मॉर्निंग माता जी। गुड मॉर्निंग बेटा। जंगल को कितने गाय हैं? 5 गाय। लैंड दूध कितने हैं? 2 लैंड है। अच्छा 2 लैंड है। लैंड मतलब, लैंड मतलब जो दूध देती है। चलो बुआ जी आगे हैं, अब बुआ जी के घर पे चलते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय। और इस टाइम पे ना पो भाई की मुर्गियां ना पानी पी रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये तो चले कॉलोनी पहुंचते हैं ना, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाय से। ये मेहनती अम्मा, ये घर पहुंचते ही ईजा अपने काम पे लगे हैं। तो गुड मॉर्निंग ईजा। गुड मॉर्निंग। ये क्या काम कर रहे हैं अभी? ये घास निकाल रही है। घास निकाल रहे हैं। हाँ। हरी हरी घास निकाल रहे हैं। गाय के लिए। और पीछे से लूटा है, इसमें है सूखी, सूखा जो घास होता है वो ये है लूटे में। हाँ। और लूटा भी समाप्त हो गया है। हाँ। इस बार तो जल्दी अभी और खरीदना होगा ना घास। हाँ। तो ये रहा अपना गौशाला और ये अपनी गाय, और ईजा ने दे दिया है गायों को घास।
बिल्कुल, ये देख सकते हैं हाथों से भी पैरों से भी सब काम करना होता है महिलाओं। मेरी इजाज़ इतनी मेहनत करते हैं ना, फिर भी ये देख सकते हैं गायों की हालत देखो बिल्कुल कैसी हो रही है, पतले पतले हो रहे हैं घास, तो दूध कहाँ से देगी यार। ये देख सकते हैं उर्मी आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि आज क्या है, एतवार संडे है। और नंजा को फोन आया है, किसका फोन आया है, गुड मॉर्निंग, किसका फोन आया है, पूजा का, नमस्कार बोल दो। आज संडे स्पेशल है और युवराज और उर्मी क्या कर रहे हैं, डांस। चलो क्रीम पाउडर घसने की लाइन है, क्रीम पाउडर घसने की लाइन है, युवराज का देबुली वाला गाना। हाय 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 क्या तेरी ही टेरी बता का तेरी नजारा, हाय तेरा ना खार दे बुली पड़ी रे बजारा, दे बुली होय 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 दे, हाँ दे बुली जयपुरिया साड़ी तेरी दे बुली गोल्डन कलर छो। तो अब बैठ गए हम पहाड़ी किचन में, अब यहाँ पे क्या तैयारी हो रही है, अभी नाश्ता करना है, रोटी खाना है, घी खाना है, दही खाना है। चले भैया ब्रेकफास्ट तैयार है। फाइनली ब्रेकफास्ट होने के बाद अब निकलते हैं खेतों की तरफ, नंजा भी रेडी है और इजा भी रेडी है। हेलो हेलो, और क्या लाया हूं? क्या लाया हूं? फूल फूल आदि देख सकते हैं, फूल लाया है। बाप रे, इतनी मॉर्निंग में मौसी जी पहुंच गए हैं जंगल से, इतने सारे जो लकड़े रखे हैं ये स्टॉक में रखे हैं, और फिर भी देख सकते हैं भैया डेली मेहनत करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले लकड़ियों की भारी लेके पहुंच जाते हैं। ये देख सकते हैं ये स्टॉक में रखा है ना, होय होय। और जैसे ही यहाँ से एक लकड़ी भी गायब होती है तो मौसी जी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मेहनत भी खूब हुई ना, ये सामने अपना गांव खलपट्टा, और खलपट्टा से थोड़ा ऊपर रहते हैं और मम्मी तो पहले चले गए और नंजा थोड़ा लेट हो गए, तो यहाँ पे नानी जावे मिल गए हैं, गुड मॉर्निंग। और देख सकते हैं क्या ला रहे हैं, ये शिशुण, शिशुण की सब्जी बनेगी आज स्पेशली, तो ऐसे निकालते हैं शिशुण, देख सकते हैं चिमटी से पकड़ना होता है चिमटे से, और ऐसे रखते हैं, ये स्टाइल रहती है महिलाओं की शिशुण निकालने से खेतों से, जो शिशुण वैसे शिशुण कुमाऊनियों बोलते हैं और हिंदी में बिच्छू घास, और दनपुरी लैंग्वेज में कहते हैं शून। तो नंजा को एक बात की खुशी होगी है वो इस बात की, क्योंकि इजा भी मिल गई है सामने। चलो ये देख सकते हैं, अब यहाँ से जो खाद घर से लाए हैं ढोके में तो ऐसे फेंकना होता है खेतों में, ये देख सकते हैं, ये तो आज भी ना अपने खेत में नुकसान हो गया है। क्या हो गया है यहाँ पे, उजाड़ खा रखा है, उजाड़ मतलब गायों ने ना, गायों ने चर दिया है बिल्कुल, हरी हरी जो घास है। चले ये है अपने कुल देवता भैरव जी का मंदिर, तो प्रणाम करते हैं इजा भी और ननिजा भी और मैं भी, जय भैरव जी। और यहाँ से दिखता है भैया अपने गांव की जो रोड अभी आ रही है, तो वो देख रहे हैं, ये रहा धार, और यहाँ से होती है पूरी सरयू घाटी, दानपुर के दर्शन ही देख सकते हैं, ये पूरा दानपुर आ गया यहाँ से। और यहाँ पे नेटवर्क 4G नेटवर्क चलता है, चलता था लेकिन आजकल नहीं चल रहा। और नीचे भद्रतुंगा, ये अपने गाँव के लिए यहाँ पर पहुँची है रोड, और यहाँ से तो लास्ट जूनी गाँव पहुँच गई है। तो चलिए अब चलते हैं खेतों से, खेतों के तरफ। तो आज के ब्लॉग में तो ना काफ़ी स्पेशल होने वाला, क्योंकि मैं आया हूँ हुड़का लेके, और हुड़के में तो भैया पहाड़ी झोड़ा चांचरी स्पेशल सब कुछ होने वाला है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, परसों मैंने एक ब्लॉग डाला था, इजा भी और नंजा भी आए थे खेतों में घास लेने के लिए, तो उस टाइम पर चोरी हो गई थी, परसों एक ब्लॉग डाला था मैंने खेत में चोरी होगी, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अर्जुन भाई आपके गाँव में नहीं, हर गाँव में होता है सही, अल्मोड़ा से हूँ, पिथौरागढ़ से हूँ, चंपावत से हूँ, गढ़वाल से हूँ, हर जगह से लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे गाँव में भी होता है ऐसा। तो चलो मैंने अपना गोप्रो कैमरा सेट कर दिया है, अब करते हैं यहाँ पर झोड़ा चांचरी स्पेशल। मम्मी और नंजा आए हैं, नंजा का मतलब होता है चाची, एक साइड से घास कटाई चल रही है और एक साइड से झोला चाचरी, और इजा अभी तैयारी करें कि कौन सा गाते हैं कौन सा गाते हैं, और नंजा को तो नहीं आते क्योंकि नंजा को आते हैं नए जमाने के गाने, ओ क्रीम पाउडर इस टाइप के गाने आते हैं। पोरों का रखा हूँ, ये तो परसों गाए हैं, आज कुछ नए मैं बता रहा हूँ इजा को, ये काफला तू बाशले कब तो हमने परसों गाए थे, आज कुछ नए, कुछ धमाकेदार। शादी रहा जगी ता
चले चाचरी तो हो गए हैं और ईजा की आवाज में पहाड़ी गाना, पहाड़ की महिलाओं के लिए, पहाड़ की चिलियों के लिए जो सुबह उठते ही भैया अपना काम काज स्टार्ट कर देते हैं बिना खाए बिना ब्रेकफास्ट के। और वो वाला गाना कौन सा था, बिना मुंह धोए, पहाड़ की चिली ले कब नहीं खाया दिराटा सुखेले। तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे नंजा आराम से बैठे हैं, क्यों? तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लगी है, आवाज भी नहीं आ रही, गला भी खराब हो रहा है। नहीं तो नंजा एक गाना आज तो सुनाने ही वाले थे। नहीं तो मैं सच में सुनाई देती आज एक गाना, और गला ठीक हो जाएगा तब सुनाऊंगी। पक्का ना? पक्का सब। चलिए चलिए, ये घी कम खाना है, नंजा की एक आदत है घी खाते रहना, भी मत करना। हाँ, दूसरे के खेतों में घास वास मत काटना। तो नंजा की एक आदत है ब्रेकफास्ट से लेके लास्ट डिनर तक घी खाते रहते हैं, घी खाते रहते हैं, तो यही चीज है। चलो हो गया आज का इतना ही, और अब मैं निकल देता हूँ घर के लिए, और आप लोग अब क्या करोगे, काम जहाँ था निकालो अपना, हाँ। जो भी है काम काज वो करो, मैं निकल देता हूँ घर के लिए, क्योंकि गांव की जो लाइफस्टाइल होती है वो दिखाता हूँ मैं गांव में आज हो क्या रहा है। सारे लोग अपने अपने खेतों में गए होंगे, और हम आए थे जोड़ा चांचरी स्पेशल करने के लिए, तो जोड़ा चांचरी हो गया है, ठेठ पहाड़ी गाने भी हो गए हैं हुड़के के साथ। इस बार की फसल देख सकते हैं आप मेरे गाँव की, घर पे भी क्या बना है, शिशुण, शिशुण स्पेशल है भैया, आज संडे है तो समझो कि मेरे गांव में शिशुण स्पेशल बनता है। युवराज हैंड वॉश कर दे, ये देख सकते हैं बुबू का इस टाइम पर चल रहा है हैंड वॉश। बुबू आते क्या है, आके पहना स्पेशल, स्पेशल क्यों, ये शुण है स्पेशल, पर क्यों है शुण स्पेशल भाई, मैं मीट मुर्गा और ये होता होता है स्पेशल। अरे शून स्पेशल भी कौन सा होता है, वो बिच्छू घास ठहरा, वो अच्छा घास की सब्जी ठहरी। घास की सब्जी कौन है, हाँ तो आज शून स्पेशल है भाई, आज संडे है तो समझो। चलो आज हमारे घर में शून की सब्जी है और हम खा रहे हैं, उर्मी हम खा रहे हैं, बोल ये देख सकते हैं युवराज, ये अंदर धुआं हो रहा किचन में ना, बाहर बैठ के खा रहा ना, झगड़ा मत करो भाई खाते टाइम। अरे अरे युवराज उर्मी मत कर, मत करो, छोटा है मत कर, मत छोटा है क्या, मत आए इसको। अरे ऐसा मत करो भाई, अरे मत करो मत करो मत, अब रीछ आ गई, मकर मकर, ये देखो ये पंगा होगा इनको। तो आज ब्लॉग एंड कर रहा है युवराज, ठीक है अभी जस्ट खाना खा के आ रहे हैं। युवराज तू बोलो आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं, जल्द मुलाकात करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करें, चले बाय गुड नाइट, कल मिलता हूँ, कल मिलता हूँ, बोलो कल मिलता हूँ, बाय बाय, और एक बार और बाय बाय।